फर्स्ट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ए पॉइंट होना चाहिए एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एम। देखो और इसको फाइंड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, जहां दो पॉइंट होगा, अगर दो पॉइंट दिया हुआ है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो अगर इसका स्लोप चाहिए एम, एम इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ये होता है। यहां तो डायरेक्टली दिया हुआ है, अगर थीटा दिया हुआ है अगर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है यहां पे ए में लिख लो बी में, थीटा गिवेन देन एम इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे टैन थीटा, और ये थीटा का वैल्यू होगा वो जीरो टू क्या होगा जीरो टू 180 के बीच में रहेगा, 0 डिग्री टू 180 के बीच में होगा, इसी के बीच में लाई करेगा राइट। अगर सेकेंड क्वाड में इस तरह से है तो थीटा ए ऑलवेज क्या होता है विद एक्स एक्सिस के साथ लिया जाता है, इसको फिक्स करना है और इसी से काउंटर क्लॉकवाइज में लिया जाता है, काउंटर क्लॉकवाइज में लेते हैं तो ये वैल्यू थीटा है, तो स्लोप का वैल्यू इसका आ जाएगा एम इज इक्वल टू टैन थीटा राइट। अब जैसे इसमें दो तीन प्रॉब्लम करवाए थे क्वेश्चंस के, राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मेकिंग 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी लिख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड पासिंग थ्रू माइनस वन कॉमा जीरो, एक ये हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप इज वन बाई टू एंड पासिंग थ्रू वन कॉमा जीरो, सी में चलो यही दोनों बनाओ, उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू कॉमा वन एंड माइनस वन कॉमा जीरो बताओ, तीनों से बता देना है कि क्या होगा। सर पहला का x प्लस रूट थ्री प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, सब प्लस रूट थ्री। बोलो, तो देखो फर्स्ट नंबर में सॉल्व करेंगे a का सॉल्यूशन, दो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एक स्लोप पता होना चाहिए सेकंड पॉइंट पता होना चाहिए, तो फर्स्ट में जो दिया हुआ है 120 डिग्री बना रहा है विद x एक्सिस के साथ, तो 120 डिग्री कुछ इस तरह से पास कर रहा है पॉइंट, रफली रफ स्केच इसका बना रहे हैं, रफ डायग्राम है, तो 120 डिग्री है, तो जो स्लोप आएगा m इज इक्वल टू टैन 120 डिग्री, तो m इज इक्वल टू टैन 120 डिग्री का वैल्यू क्या लिखते हैं 180 माइनस 60 राइट, दिस इज इक्वल टू माइनस टैन 60 डिग्री, ये वैल्यू माइनस रूट थ्री आ जाएगा, पॉइंट क्या दिया हुआ है किससे पास कर रहा है जी माइनस वन कॉमा जीरो से, सर वो थर्ड में टू है क्या से? So? हाँ ये टू है, माइनस वन कॉमा जीरो से, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बोलो y माइनस पॉइंट, ये हो गया y1 और ये हो जाएगा x1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, यही ऑलवेज होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो। y माइनस क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू m का वैल्यू माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस माइनस वन, यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स माइनस, क्या हो जाएगा ये प्लस में जाएगा तो माइनस रूट थ्री, ये आया है सबका? यस सर, यस सर, यस सर, सबका आया था ना, यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। सेकंड में सर, सेकंड का टू आई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, देखो स्लोप डायरेक्टली दिया हुआ है एंड पॉइंट दिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे? सेकंड नंबर m इज इक्वल टू वन बाई टू एंड पॉइंट का जो वैल्यू है x1 कॉमा y1, 1 कॉमा 0, तो y माइनस जीरो इज इक्वल टू ये y1 हो जाएगा x1 हो जाएगा, m का वैल्यू गिवन है y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 by 2 into x minus, क्या हो जाएगा वैल्यू 0, यहां से 2y is equal, sorry, x का वैल्यू 1 है, 2y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2y is equal to x minus 1, इसको इस तरह से लिख सकते हो x minus 2y minus 1 is equal to 0, आया है सबका आंसर? Yes sir, okay, then next इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2, 1, -1, 0, 2, 1, and -1, 0। अब देखो दो पॉइंट से पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन, तो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या लिखेंगे, y2 - y1 / x2 - x1। देखो यहाँ पे y2 होगा तो x2 होगा, y1 लोगे तो y1 minus y2 तो x1 minus x2 लिखोगे, तो randomly naming दे देना, ये x1 तो ये y1, ये x2 तो ये y2, तो यहाँ पे लिख लो y2 का value 0 minus 1 divided by minus 1 x2, अब minus x1 minus 2, this is equal to क्या हो जाएगा 1 by 3, और एक point ले लेना है इसमें y minus y1 is equal to m into x minus x1, तो यहां पे देखो क्या करना है, y माइनस 1, हेलो, यस सर, यस सर, y माइनस y1, y1 लो और y2 लो, जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम आएगा, तो चलो अच्छा y2 कर लो, और क्या ले सकते हो y1 minus y2, जिससे कैलकुलेशन इजी हो वो सिलेक्ट कर लेना है, m into x minus x2, तो अगर सेकंड वाले ले रहे हो दोनों से सेम आएगा, यहां से लिखोगे y minus, sorry, y minus, अगर y1 लोगे तो यहां पे क्या होगा 1 is equal to स्लोप का वैल्यू 1 by 3 into x minus क्या हो जाएगा 2, और इसे लिखोगे तो y minus 0 is equal to 1 by 3 into x minus minus 1, दोनों से final answer जो आएगा यहां से 3y is equal to x plus 1, यहां से लिखोगे तो x minus 3y plus 1 is equal to 0, यहां से लिखोगे तो 3y minus 3 is equal to x minus 2, अब इसको right side लेकर के चले जाओ तो x minus 3y plus 1 is equal to 0, किसी भी प्लस वन एक ही आएगा ना, आंसर तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इतना आना चाहिए, नेक्स्ट वन यहां से नोट में लिख लेना, राइटिंग द इक्वेशन ऑफ perpendicular line to L1 जिसका वैल्यू दिया हुआ है AX plus BY
plus c is equal to 0, which passing through x1 comma y1. चलो ये ले लिए. अब क्या है इसमें कि एक इक्वेशन गिवन है, ये L1 दिया गया है, इसका इक्वेशन है ax plus by plus c is equal to 0, और इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, राइट? तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है तो करना क्या है, बोले थे कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप क्या होता है, m1 into m2 is equal to minus 1 होता है. ये आगे बताऊंगा क्यों होता है, लेकिन ये बताया हूं कि अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों लाइन का जो स्लोप होगा उसको प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस वन देगा, ये तुमको याद रखना है. तो माइनस वन होता है. तो अब बताओ कि इसका स्लोप का वैल्यू क्या है, स्लोप बोले थे माइनस ए फाइंड करना है, स्लोप इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए बाई बी. ए बाई बी, गुड. ए बाई बी कैसे फाइंड करेंगे, बोले थे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो क्या करेंगे, बी वाई को रहने देना है, बाकी जो रेस्ट बचे हैं उसको राइट साइड में भेज देंगे, तो माइनस सी. अब बी से डिवाइड दे देना, तो वाई बी से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए वाई बी इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सी वाई बी. अब इसी को लिख सकते हो, इसको कंपेयर कर लेना, इसी को लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कैपिटल सी, ये स्लोप हो जाता है और ये वाई इंटरसेप्ट होता है, मींस स्ट्रेट लाइन इस तरह से गया तो ये वाला वैल्यू वाई इंटरसेप्ट हो गया और इसका स्लोप एम हो गया. तो एम इज इक्वल टू माइनस ए वाई बी और कैपिटल सी इज इक्वल टू माइनस सी वाई बी, ठीक है, इस तरह से. अब देखो इसके केस में जो आया वो स्लोप हो गया, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, स्लोप हो गया माइनस ए बाई बी. तो अब इसके परपेंडिकुलर इसका हो गया माइनस ए बाई बी, इसका सपोज एम मान लो, तो एम इंटू माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू माइनस वन, तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो, बी बाई ए आएगा. यस सर, इसका शॉर्टकट बताएंगे उस टाइम. अब ये स्लोप आ गया, एम का वैल्यू आ गया और ये पास कर रहा है किस से, एक्स वन कॉमा वाई वन से, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, बोलो, y माइनस y1 माइनस y1 इज इक्वल y माइनस y1 इज इक्वल टू b बाय a b बाय a इनटू x माइनस x1 इनटू x माइनस x1 x1 हो गया. अगर ज्यादा इजी करना चाहता है तो देखो एक इजी में लिख सकते हो कि इसको कर लेना ax plus by plus c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है. अब इससे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, क्या करना है, बी एक्स माइनस क्या करना है, ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, और इसमें क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स वन से, वाई को रिप्लेस कर देंगे वाई वन से, और यहां से फाइंड कर लेंगे क्या, लैम्डा. क्या करना है कि कॉफ, अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं तो क्या करना है, इसको एक्सचेंज कर देना है एक दूसरे को, और माइनस साइन एक लगा देना है किसी के बीच में, ठीक है, ए को रिप्लेस करना है माइनस, क्या करें, दोनों के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देना है और एक को माइनस में कर देना है, सेम साइन रहेगा तो अपोजिट में चला जाएगा, अपोजिट साइन रहेगा तो दोनों सेम साइन में हो जाएगा, समझ में आया, दोनों सेम साइन रहेगा तो अपोजिट, क्या लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे, लैम्डा x को x1 से रिप्लेस करेंगे, y को y1 से रिप्लेस करेंगे, यहां पे यस यस
सर उसके बाद लैम्डा का उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। लैम्डा का वैल्यू पुट कर दोगे, वो परपेंडिकुलर का लाइन का इक्वेशन होगा। यहाँ पे देखो दोनों मेथड से बता देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू 1, 1। तो देखो सॉल्यूशन देख लेना एक बार, क्या बोले हैं फर्स्ट मेथड में क्या होगा कि परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है फाइंड करना। ये लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से स्लोप फाइंड कर लोगे। m इज इक्वल टू, देखो ये वाला को राइट साइड वो माइंड में कैलकुलेशन करना है, नहीं तो इसी को लिख सकते हो क्या 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 2y 3x, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इट मींस स्लोप क्या हो गया 2/3। तो इसका जो स्लोप होगा वो -3/2 हो जाएगा, होगा जस्ट माइनस के साथ क्या कर देना है अपोजिट कर देना है, मींस ये आ गया ना, इसको ये m डैश हो गया, या इसको लिख सकते हो सॉरी। चलो इसका जो स्लोप का वैल्यू हुआ m इज इक्वल टू 2/3, तो यहाँ देख लो m परपेंडिकुलर इनटू m इज इक्वल टू -1। तो m परपेंडिकुलर लाइन का जो इक्वेशन होगा ये किसका है m परपेंडिकुलर का है, तो m परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आएगा -1/2/3, दिस इज इक्वल टू -3/2। ये समझ में आया? यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके तो यस सर, अब पास कर रहा है किसे 1, 1 से, तो m इज इक्वल टू लिख लो -3/2 एंड पॉइंट जो x1, y1 है वो 1, 1 है। ये दो इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या होना चाहिए, दो ही इन्फॉर्मेशन हो। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -3/2 इंटू x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो देखो क्या आ रहा है, y माइनस यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y-2 इज इक्वल टू -3x+3, इट मीन्स 3x+2y माइनस क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? यस सर। अब देखो 3x+2y-5, यहाँ देखो 3x+2y-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ध्यान देना क्यों माइनस से किए थे, यहाँ देखो इस वाले में देखोगे ओनली इतना को ऑब्जर्व कर रहे हो 2x-3y है, यहाँ पे देखो 3x कोफिशिएंट क्या हो गया है ये x के साथ चला गया है, y का कोफिशिएंट x के साथ और x का कोफिशिएंट y के साथ। अब देखो ये दोनों अपोजिट साइन में था, 2x-3y था तो ये सेम साइन में चला गया, अगर सेम साइन में रहेगा तो क्या करेंगे अपोजिट साइन में करेंगे, अपोजिट साइन में रहेगा तो क्या करेंगे सेम साइन में कर देंगे। समझ में आया? हेलो, डायरेक्टली अगर लिखना है तो अगर शॉर्टकट मेथड से यूज करना है तो क्या लिखेंगे, दिया हुआ है 2x-3y, हाँ 2x-3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ था इस वाले का, ये 1, 1 से पास कर रहा है, ये जो इक्वेशन है वो इस लाइन का है। तो इसका जो लिखोगे वो क्या करोगे डायरेक्टली यहाँ से करना है, ये देखो अपोजिट साइन में है तो कोफिशिएंट चेंज करके क्या करेंगे सेम साइन में कर देंगे, 3x+2y+λ = 0। अब लैम्डा को फाइंड करना है तो लैम्डा को फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा को फाइंड करेंगे ये पास कर रहा है किससे 1, 1 से, तो 1, 1 will satisfy the line, जो perpendicular line है उसको, तो इसमें क्या करेंगे 3 × 1 + 2 × 1 + λ = 0, lambda का जो value यहाँ से आएगा -5। तो अब ये equation जो हो गया वो 3x+2y - 5 = 0। समझ में आया? Yes sir। Yes, sir। कोई दिक्कत नहीं ना?
बन जाएगा? यस सर। ओके यस सर। देखो शॉर्टकट मेथड ज्यादा यूज करना, उससे क्यों बनाओगे, इसका कोई जरूरत ही नहीं है, बट ये पता होना चाहिए शॉर्टकट मेथड में वो डायरेक्टली उससे लिख सकते हो। राइट द परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टू 9x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच पासेज थ्रू 0 कॉमा माइनस 1। फाइंड करो तो आंसर बताओ जल्दी से। सर 2x प्लस 9y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके तो देखो दिया हुआ क्या है 9x, तो परपेंडिकुलर इक्वेशन लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 2x प्लस 9y, अपोजिट साइन में तो सेम साइन, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको सेटिस्फाई कर देंगे क्या से, 0 कॉमा माइनस 1 से, x को रिप्लेस करेंगे तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 9 इंटू माइनस 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। अब इसमें पुट कर लो तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x प्लस 9y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? यस सर। ओके चलो ये समझ में आ गया। पैरेलल इक्वेशन राइटिंग द पैरेलल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। Writing the parallel equation of a straight line to ax plus by plus c is equal to 0, which passes through x1 comma y1। चलो इसमें क्या करेंगे कि parallel equation होना चाहिए, तो चलो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये equation दिया हुआ है, इसका जो इक्वेशन है ax plus by plus c is equal to 0, इसके पैरेलल होना चाहिए, तो पैरेलल होगा तो इस तरह से जाएगा। आ रही बात समझ में? और ये पास कर रहा है किससे? पास कर रहा है x1 comma y1 से। तो क्या करेंगे इसमें, जो डायरेक्टली दिया हुआ ये वाला वैल्यू वो एज इट इज रहने देना है, ठीक है? तो ax plus by plus lambda हो जाएगा is equal to 0, एंड lambda को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, putting value x is equal to x1, y is equal to y1 in ax plus by plus c, ax plus by plus c, ax plus by plus lambda is equal to 0 and find lambda। इसको अगर k बोल देते हैं तो क्या हो जाएगा ये लाइन, फाइनली वो पुट कर देना है, फाइंड लैम्डा, बस इतना ही रहने दो। तो फाइनली क्या कर देंगे, इसका इक्वेशन लिख लेंगे। अगर प्रोसेस से जाना चाहते हो, समझ में आ गया ये? जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द पैरेलल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टू 3x माइनस 2y प्लस 3 is equal to 0 and passing through, which is passing through, which is passing through one comma minus one। Find करो तो क्या होगा, directly find करना है,
इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो पैरेलल इक्वेशन फाइंड करना है, तो इसका इक्वेशन ये हो गया, तो सेकंड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसका ये पास कर रहा है किस पॉइंट से, 1 कॉमा माइनस 1 से, तो इसमें पुट कर लेंगे 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस माइनस 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से जी, माइनस फाइव, ये पुट फाइनल क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, समझ में आ गया ना, पैरेलल इक्वेशन रहेगा तो स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, स्लोप का वैल्यू क्या होगा पैरेलल इक्वेशन में, m1 इज इक्वल टू m2, इसमें ध्यान रखना, अगर इसका वैल्यू m1 है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 ही होगा फॉर पैरेलल। सर हाँ, वो परपेंडिकुलर वाला लाइन का साइन चेंज वाला एक बार फिर से बता दीजिए ना। देखो परपेंडिकुलर इक्वेशन में देखो क्या करना है कि जैसे 3x माइनस प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, अब बोल रहा है कि इसके परपेंडिकुलर लाइन का, परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू, चलो 0,0, राइट, तो क्या करेंगे, देखो सेम साइन दोनों है तो क्या करेंगे, अपोजिट साइन करेंगे और कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे, 2y कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, सेम साइन है तो अपोजिट साइन दे देंगे, कहीं भी दे सकते हो, माइनस 2x भी दे सकते हो, प्लस 3y भी दे सकते हो, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, अब ये सेटिस्फाई कर दो, लैम्डा फाइंड कर लो, समझ में आया, और इसको ये भी लिख सकते हो 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और इसको सेटिस्फाई कर लो, समझ में आया। यस सर, समझ गया, समझ गया ना, अगर यहाँ पे 9x माइनस y होता इज इक्वल टू 0, तो देखो ये अपोजिट साइन है, तो सेम साइन कर लेना है, और इसका जो कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू x प्लस 9 इंटू y, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, अब प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, अब पॉइंट से पास कर रहा है, अगर 1-1 से पास कर रहा है, तो 1-1 पुट करके फाइंड कर लेंगे, समझ में आया। अब पैरेलल इक्वेशन में क्या करना है, फर्स्ट जो x और y का सेम एज इट इज रहने देना है, जैसे उसको बनाओगे तो कैसे होगा कि हम इसके पैरेलल इक्वेशन लिख रहे हैं, ax plus by plus c is equal to 0, ट्राई करना समझने का कि इसका जो m का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा जी, माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी, अब ये पैरेलल इक्वेशन है, ये l1 हो गया l2, l2 इज पैरेलल टू l1, तो क्या लिखेंगे यहां से देख लो, एंड पासिंग थ्रू x1 y1, इसको पास करवा दो x1 y1 से, तो देखो क्या लिखोगे, स्लोप तो सेम हो जाएगा, पैरेलल है तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या होगा, सेम होगा, मींस इक्वल होगा, तो m बराबर माइनस ए वाई बी, इसका भी लिखोगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ए वाई बी x माइनस x1, अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बी वाई माइनस बी वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स वन, अब इस वाले को इधर ले आओ, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, तो देखो कॉन्स्टेंट, ये तो कॉन्स्टेंट है ना, ये वाले वेरिएबल है ए एक्स प्लस बी वाई के साथ, देखो इसके साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, समझ में आया, तो फर्स्ट दो कोफिशिएंट जो होता है एक्स एंड वाई के साथ सेम रह जाता है, तो पैरेलल में क्या होगा कि डायरेक्टली वो लिखना है, लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है, तो जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट को क्या कर देना है, सेटिस्फाई कर देना है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यस सर, कोई भी इक्वेशन है, सपोज इस तरह से लाइन है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस y एक्सिस, अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लिखना है, इक्वेशन ऑफ दिस, लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू
2, 1. अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस फाइंड करना है तो इसका स्लोप जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/0. इसके केस में परपेंडिकुलर लाइन रहेगा तो 1/0 स्लोप लेना है, इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ऑलवेज. ठीक है, एम इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1/0. तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे बताओ, वाई माइनस y-y1. इसमें क्या होता है, अनडिफाइंड होता है ना, 1/0 ही आता है ना. अगर ये सर tan theta 0, tan theta इनफिनिटी होता है, sin theta by cos theta करोगे तो sin pi by 2 एंगल कितना बनाता है, ये 90 डिग्री. यस सर. तो यहां पे लिखोगे tan theta इज इक्वल टू tan pi by 2 इज इक्वल टू sin pi by 2 डिवाइडेड बाय cos pi by 2 1/0 लिखना है. अब इसमें y माइनस क्या हो जाएगा, y1 1 इज इक्वल टू m का वैल्यू 1/0 लेना है, x माइनस क्या 2. तो देखो ये तो पता है कि अगर ये जो लाइन है 2, 1 से पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, अगर 2, 1 से पास कर रहा है मींस ये वैल्यू 2 है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका x इज इक्वल टू 2 ही आएगा ना. 2 यस सर. तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ से भी आना चाहिए. आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 2. दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू x माइनस 2. तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से लाइन का इक्वेशन 2 आ गया. नहीं समझ में आया? आया सर. तो नोट में लिख लेना कि स्लोप ऑफ लाइन perpendicular to x-axis is given by m is equal to 1/0. ये 1 हो गया. Second, slope of line parallel to x-axis is given by, बोलो 0/1, m is equal to 0/1, 0 means 0 degree form करेगा ना, इसके केस में देख लेना, parallel to x axis. तो ये angle अगर कितना बना रहा है x axis के साथ, 0 degree बना रहा है, parallel है ना, तो ये 0 degree इसका value जो आएगा, m is equal to 0 is equal to tan 0 is equal to sin y, क्या करोगे, cos, तो sin 0 y cos 0, तो 0/1 होगा. समझ में आया? तो इसके केस में जो इक्वेशन आएगा वो y इज इक्वल टू k आएगा ऑलवेज. और इसके केस में जो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बोलो x इज इक्वल टू x1 k ही मान लो, k1 और इसको k2 बोल दो. समझ में आ गया ना? अगर बोलेगा क्वेश्चन में लाइन passing through minus 1 comma 0 and ek mein parallel to x axis, parallel to x axis b mein, parallel to y axis c mein, perpendicular to y-axis. बताओ तीनों के केस में बताओ आंसर क्या आएगा. So parallel to x-axis sir. तो first बोले हैं, first होगा y equal to 0 होगा sir, first वाला y equal to 0. तो ये pass minus 1 comma 0, minus 1 comma 0 यहाँ पे point हो गया, parallel to x-axis. तो ये लाइन का इक्वेशन लिखना है. तो बोले थे कि इस तरह के लाइन रहेगा तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू k. अब ये 0, 0 से पास कर रहा है, ये y का वैल्यू क्या है, 0 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.
ये क्या वैल्यू आएगा, एक्स एक्सिस आएगा, y इज इक्वल टू जीरो स्ट्रेट लाइन, वो किसका होता है, एक्स एक्सिस का होता है। सेकंड बोलो, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अदरवाइज प्रोसेस से भी बनाओगे तो क्या लिखोगे इसके केस में, y माइनस जीरो इज इक्वल टू स्लोप क्या है इस तरह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू एक्स माइनस माइनस वन, तो y इज इक्वल टू जीरो ही आएगा। b का बताओ, इक्वेशन ऑफ b का पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू माइनस वन, हाँ पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, k होता है, तो ये माइनस वन हो जाएगा। प्रोसेस से बनाओगे तो x इज इक्वल टू माइनस k ही आएगा, c ऑप्शन। परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, तो y इज इक्वल टू जीरो, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, तो y इज इक्वल टू जीरो, कंफ्यूज करने के लिए दिए थे ये, समझ में आ गया? यस यस सर। चलो नेक्स्ट वन, जो सेकंड प्रॉब्लम कल दिए थे उसमें बोला था कि ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है, तो ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ रहा था, एल्टीट्यूड फाइंड करना था, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर जो इक्वेशन जाता था वो फाइंड करके किसी भी दो, जो इजी पड़ेगा, किसी भी दो इक्वेशंस को फाइंड करना था एल्टीट्यूड्स का, और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था। ऑर्थो सेंटर में यही कॉन्सेप्ट था, वही समझाना चाह रहे थे। वैसे स्ट्रेट लाइन का बहुत सारा पार्ट हो गया है कवर। अब देखो ऑर्थो सेंटर में क्या बोले थे कि एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, या तो यहाँ पे थ्री कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहेगा एबीसी, वर्टेक्स एबीसी का, और क्या हो सकता है, थ्री डिफरेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा, तो उसको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले फाइंड कर लेना है। सपोज ये एक्स वन वाई वन हो गया, एक्स टू वाई टू हो गया, एक्स थ्री वाई थ्री हो गया, तो ए में क्या रह सकता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस गिवन होगा, और क्या हो सकता है, थ्री इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन होंगे, तो उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है। एनीहाउ इसके बाद क्या करना था कि यहां से एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन लिखना था, तो इक्वेशन लिखते तो क्या होता है कि इस वाले लाइन का क्या है, ये वाले लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका अगर स्लोप m1 होगा तो इसका 1 बाई क्या होगा, m1 माइनस में होगा, एंड ये पॉइंट पता है, तो उससे क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड से यहां से एक का फाइंड कर लोगे, सेकंड यस सर, सेकंड का फाइंड करना है, तो देखो ये वर्टेक्स इससे जा रहा है, x3 y3 वाले कोऑर्डिनेट से जा रहा है, A, B एंड C, तो C से पास हो रहा है, तो यहाँ पे देख लेना कि इसका स्लोप अगर M2 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई M2। अब ये पॉइंट क्या है, पता है, जब पॉइंट ये पता है तो इक्वेशन ऑफ इस वाले एल्टीट्यूड का फाइंड कर लोगे। yes, अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या दे देगा, ऑर्थो सेंटर, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझ में आया। इसमें कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं रखना, जो फॉर्मूला है टैन के फॉर्म में वो कभी भी यूज नहीं होगा, 2D में फॉर्मूला मिल जाएगा बुक में बट वो यूज नहीं किया जाएगा। तो जो कल का प्रॉब्लम था उसमें कुछ इस तरह से था, ओके, क्या था, इक्वेशन लिखवाना, एक्स इज इक्वल टू फाइंड द ऑर्थो सेंटर formed by ortho center of triangle formed by the lines x is equal to 3, y is equal to 4, या x is equal to 4 था रवि सर, ये आप कोऑर्डिनेट दे दिए थे, आप लाइन नहीं, अच्छा कोऑर्डिनेट दे दिए थे, चलो 0, 0, 0 3, 0 and 0, 4 formed by the coordinates 0, 0 3, 0 or 0, 0, 4 0, 4 बहुत सिंपल था,
क्या करोगे इसके लिए? 0.0 यहाँ पे आ गया, आंसर बोल दिए थे कि 0.0 होगा, 3.0 एंड 0.4, राइट, थ्री इक्वेशन हो गए। इसमें क्या करना है, दो एल्टीट्यूड्स का क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहां देखोगे वाले वर्टेक्स से, किसी भी दो एल्टीट्यूड का, इस वाले वर्टेक्स से, इस वाले साइड पे अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस ही आ जाएगा। अब तो इस वाले एल्टीट्यूड से फाइंड करोगे तो यही इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ से अगर प्लॉट करते हो तो ये 0.0 से ही, समझ में आ रहा है, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो ऑर्थो सेंटर आएगा इज इक्वल टू 0.0, राइट। तो यस सर, नोट में लिख लेना, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर लाइज एट द वर्टेक्स वेयर 90 डिग्री फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं ना, ये याद रखना। ऑर्थो सेंटर के केस में क्या होगा, राइट एंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे फॉर्म करता है, जहां पे 90 डिग्री बनता है। ऑर्थो सेंटर जहां पे 90 डिग्री बनेगा वहीं पे ऑर्थो सेंटर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ऑर्थो सेंटर जहां पे 90 डिग्री फॉर्म होता है वहीं पे होता है, राइट। अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में ऑर्थो सेंटर lies outside the triangle, ठीक है। देखो इसमें अगर रफ स्केच करते हो तो पता चल जाएगा, चलो ये एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, राइट, दिख रहा है ना। देखो अगर इस वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर प्लॉट करोगे अपोजिट साइड पे, तो ऐसा तो नहीं है कि इधर से प्लॉट करोगे ये करेक्ट होगा और इधर जाएगा, 90 डिग्री नहीं ना बनेगा, समझ में आ रहा है। क्या करोगे, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसको एक्सटेंड किए, सीवी को एक्सटेंड किए इधर, और इसके बाद यहां से परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि इस वाले वर्टेक्स बी से इस वाले साइड पे क्या करेंगे, एल्टीट्यूड प्लॉट, यहाँ पे कट कर रहा है ये, कहीं क्या होगा, इस वाले से करोगे प्लॉट तो देखो ये साइड इधर जा रहा है, वाई डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, इसी पॉइंट पे कट करना चाहिए, समझ में आया। ये हो गया ऑर्थो सेंटर, राइट, समझ में आया। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में ऑर्थो सेंटर क्या होता है, आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करता है। अब एक क्वेश्चन फाइंड करो, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x plus y is equal to 2, x is equal to 3 and y is equal to 4. Try karo to. So, 3, 4 hoga kya? Exactly. X plus y is equal to 2 is tarah se jayega. X is equal to 3. X is equal to 3
लाइन का इक्वेशन देखो, ये 2,0 से 0,2 से, तो x इज इक्वल टू 3 है, तो ये होगा x इज इक्वल टू 3 मींस ये पॉइंट 3,0। सर आवाज कम आ रहा है। 3,0 से पास होगा y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 का लाइन का इक्वेशन इस तरह से जाएगा। देखो यहां पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो यही हो जाएगा, ये हो गया x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर, राइट। एक क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल कंस्ट्रक्टेड बाय द लाइंस x plus y is equal to 2, x plus 2y is equal to minus 4 and x is equal to 0, try karna. Then up next circumcenter, ab aa rahi hai? Yes, sir. Circumcenter. Circumcenter denoted by capital C. Sometimes इसको capital O से भी denote किया जाता है, but capital O से किसको denote करना है? Ortho center को. Denoted by capital C. अब circumcenter होता क्या है? Point of intersection of पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, ये याद रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। तो इसमें क्या करना है, फॉर्मूला इसमें भी याद नहीं रखना है, देखोगे साइन 2a के फॉर्म में रहेगा, x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c, इस तरह से डिवाइडेड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये कभी यूज नहीं होगा। अगर एक ट्रायंगल है इस तरह से, तो प्रोसेस याद रखना, इसमें हमेशा प्रोसेस से ही बनेगा और एग्जामिनेशन में होगा, तो कैलकुलेशन बहुत ईजी रहेगा। तो फर्स्ट क्या फाइंड करना है कि कोऑर्डिनेट्स, अगर लाइन दिया हुआ रहेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेना है, वर्टेक्स x3 y3 a b c। अब क्या करोगे इसके बाद कि इसका मिड पॉइंट d e f, d e एंड f आर मिड पॉइंट्स of BC, CA and AB respectively. होगा DEF, क्या होगा मिड पॉइंट होगा। तो चलो ये पॉइंट D का क्या हो जाएगा बताओ, x2 plus x3 by 2, y2 plus y3 by 2, ये पॉइंट सिमिलरली फाइंड कर लोगे। तो देखो आप क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर लाइन इक्वेशन लिखना है इसका, ये 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए। तो इसका स्लोप अगर m रहेगा तो इस वाले लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस 1/m। अब इक्वेशन इस वाले लाइन का फाइंड कर लेना, देन सिमिलरली क्या करोगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन कुछ इस तरह से चला जाएगा, इस वाले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन जो जाएगा वो इस वाले पॉइंट को ई बोल दो, यहां से जाएगा, यही जो वैल्यू आएगा वो किसी दो इक्वेशन फाइंड करना है और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड। समझ में आ गया क्या करना है, जो समझ में आ गया? यस यस। तो ये जो होगा वो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा,
सॉरी सर्कमसेंटर, समझ में आया? देखो एक जैसे एग्जांपल में इसका फाइंड करके ट्राई करो, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन एंड एक्स प्लस वाई, ट्राई करो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ट्राई करो तो बनाओ, तो प्रोसेस तो पता है क्या करना है वो, चलो कैलकुलेट करके बताना क्या आंसर आता है, जो कैलकुलेट करके आंसर बताओ। बन गया सर, एक सेकंड। किसी का आंसर आया? क्या करोगे? पहले रफ डायग्राम बनाना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये क्या है 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अदरवाइज फाइंड करना पड़ेगा टेकिंग टू एट ए टाइम, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एंड एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाले पॉइंट तो पता है क्या हो जाएगा 3, 4, चलो ये जो पॉइंट आएगा वो क्या करना है कि x is equal to 3 and x plus y is equal to 4, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो x is equal to 3 पुट कर लो, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट तो फिक्स है 3 आएगा, y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए 3 plus y is equal to क्या हो गया 2, तो y is equal to -1, तो -1। अब ये दोनों लाइन का इक्वेशन, y is equal to 4 and क्या करेंगे x plus y सिंपल दिए थे कि इजली फाइंड हो जाएगा। अब यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो y इक्वल टू 4 तो है, तो x इक्वल टू फाइंड करना है, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू -2, तो -2, 4। हो गया। देन किसी भी दो इक्वेशंस का क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये
सर माइनस टू कॉमा टू होगा ना, y इज इक्वल टू 4 है ना बदमाश, तो माइनस टू कॉमा फोर होगा ना, y इज इक्वल टू तो 4 रहेगा ना, इक्वेशन दोनों को सॉल्व करना है ना, तो y तो 4 ही दिया हुआ है, समझ में आया। अब क्या करोगे कि इसमें अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा कि इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना ज्यादा इजी है और इसके परपेंडिकुलर लाइन का, x एंड y एक्सिस के पैरेलल होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्टली पता चल जाएगा, राइट समझ में आया। अब देखो मिड पॉइंट इसका जो होगा वो क्या है, ये जो पॉइंट आया वो 3 कॉमा क्या है 4 है, और ये माइनस 3 कॉमा क्या है 0 है, तो इसको फाइंड करोगे तो क्या होगा 3 प्लस 3 बाई 2, तो ये जो पॉइंट होगा वो 3 होगा, और y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 तो 3 बाई 2 हो जाएगा, एंड इसका जो फाइंड करोगे माइनस टू और माइनस थ्री, सॉरी माइनस टू और प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 1/2 हो जाएगा, एंड y कोऑर्डिनेट जो आएगा वो क्या होगा बताओ, 1/2, 4 + 4/2 मींस 8/2, 4 ही हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है कि इसके परपेंडिकुलर एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, देन इसके परपेंडिकुलर एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो ये वाला जो लाइन होगा वो x इज इक्वल टू 1/2 होगा, और ये वाला जो लाइन होगा वो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, तो इट मींस ये जो पॉइंट होगा सर्कम सेंटर वो डायरेक्टली आ रहा है, क्या हो जाएगा 1/2, 3, समझ में आया या नहीं सर? ये वाला लाइन समझ नहीं आया, कौन सा लाइन सब बोले ये वाला, अच्छा इसके मिड पॉइंट से मींस नेमिंग दे दो ए बी एंड ये पॉइंट सी हो गया, तो ए सी का परपेंडिकुलर वाई सेक्टर है वो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1/2 होगा, पैरेलल टू क्या है वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस का लाइन क्या होता है एक्स इज इक्वल टू के, तो एक्स इज इक्वल टू 1/2 होगा। अब परपेंडिकुलर वाई सेक्टर ऑफ बी सी का क्या होगा पैरेलल टू क्या है वो एक्स एक्सिस है, मींस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू यहां पे क्या आ रहा है 3/2 ना, ओके सॉरी 3/2, समझ में आया? यस सर 3/2, तो ये हो गया क्या सर्कम सेंटर, क्योंकि x और y का डायरेक्टली वैल्यू ही आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही होगा, और यहां पे देखोगे ये इंटरसेक्ट करेगा, जब राइट एंगल के केस में ये होता है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हो जाता है, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हो जाता है सिर्फ ओनली इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बाकी प्रोसेस ऐसे ही होता है, नोट में लिख लेना। यस सर, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर lies at midpoint of hypotenuse, आई बात समझ में? तो अगर ये राइट एंगल है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, इसका वर्टेक्स x1 y1 है, x2 y2, x3 y3, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा जी सर्कम सेंटर, ये वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस x3 बाई 2 y1 प्लस y3 बाई 2, समझ में आया अगर राइट एंगल है तो? यस सर हो जी ओके। इन केस ऑफ obtuse angle triangle circumcenter lies outside the triangle, देखो क्यों वो रीजन देख लो, अगर ये obtuse angle triangle बना दिया, ट्राई ए बी सी,
ए बी सी क्या है और ट्रीज एंगल ट्रायंगल है, तो देखो इसका मिड पॉइंट है वो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इसका मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट डी, बी सी का मिड पॉइंट ई और ए सी का मिड पॉइंट एफ। तो ई से जो होगा परपेंडिकुलर बाई सेक्टर का लाइन का इक्वेशन, देखो कुछ इस तरह से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। राइट, सेकेंड में जो बी और सी का ई से पास करेगा और इसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, तो कॉन्करेंट ही होता है तो ऑब्वियसली यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, इसका भी परपेंडिकुलर बाई सेक्टर फाइंड करेंगे तो राइट ये ऑर्थो सेंटर क्या होगा, सरगम सेंटर। समझ में आया? तो प्रॉपर्टीज याद रखना। ओके, देन होमवर्क में राइट फाइंड द सरकम सेंटर ऑफ, फाइंड द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो यहां पे दिए थे वो क्या क्या लिखे थे, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू एंड एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, ये होमवर्क में रहेगा, इसका सर्कम सेंटर फाइंड करना है, हो जाएगा? यस सर। यस सर। ओके, देन ये जो नोट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ये ऑर्थो सेंटर, ये रख लो सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ये टू इज टू वन में क्या करता है, डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड है जो किसी भी ट्रायंगल में लीनियर क्या होता है, कोलिनियर होते हैं पॉइंट्स, मींस एक ही लाइन में होता है राइट, 2 is to 1 में डिवाइड करता है। ये ऑर्थो सेंटर को O से, सेंट्रोइड को किससे, G से एंड सर्कम सेंटर को C से, तो OG डिवाइडेड बाय GC जो होता है वो 2 is to 1 होता है। OG अब भाई GC क्या होता है, इन एनी ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इन एनी ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर आर इन कोलिनियर कोलिनियर एक्सेप्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, एक्सेप्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल में क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर हो गया, सेंट्रोइड हो गया एंड सर्कम सेंटर आर इन कोलिनियर, एक ही लाइन में होते हैं, एक्सेप्ट 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 क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, कोलिनियर होता है। तो ये याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, जो फोर आते हैं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, सारे क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे होता है। इन केस ऑफ equilateral triangle all four centers
lies at same point. अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहीं पे क्या होगा, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, एक ही पॉइंट पे. इन केस ऑफ आइसोसेल्स क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल. रवि यस आईएसओएससीईएलईएस आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर ऑर्थोसेंटर सेंट्रोइड सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर आर कोलिनियर. इन ये सिर्फ और सिर्फ आइसोसेल्स ट्रायंगल के केस में होता है कि जो फोर आते हैं ऑर्थोसेंटर, फोर जो सेंटर्स होते हैं वो एक ही लाइन पे लाई करता है. और दूसरे ट्रायंगल के केस में क्या हो जाएगा, इन सेंटर एक ही लाइन पे, ये तो ऑलवेज होता है, ये किसी भी ट्रायंगल में क्या होगा कि एक ही लाइन पे होते हैं. बट इन सेंटर क्या होगा, अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हुआ तो एक ही लाइन पे वो नहीं होंगे, इन सेंटर उसी लाइन पे वो लाई नहीं करता है. ओनली इन केस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल चारों जो सेंटर्स होते हैं वो एक ही लाइन पे लाई करता है. यहाँ पे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड दे दिए, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक ही लाइन पे होगा, एक ही लाइन पे होगा. ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या है, ये जो पॉइंट्स है वो याद रखना. इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो फोर सेंटर्स होते हैं एक ही पॉइंट पे होते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल के केस में जो फोर सेंटर्स होते हैं वो कोलिनियर होता है. एंड इन केस ऑफ एनी ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को सेंट्रोइड है जो 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है. तो ये ऑर्डर अगर याद रखना चाहते हो तो ओ एन जी सी इसको याद रखना, इसी ऑर्डर में है. एन को क्या करना, यहाँ एन का यूज होता नहीं है, सेंटर्स में एन आता नहीं है, किसी को डिनोट नहीं करते हैं, तो ओ जी सी रह जाएगा. तो इसी ऑर्डर में लिख सकते हो ओ जी सी और ये 2:1, ऐसा नहीं कि 1:2. 1:2 करोगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा. ठीक है? Yes, sir. Okay. चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. मैं अगर ऑर्डर में लिखना चाहते हो तो इसको लिख लेना, इन सेंटर, यहाँ पे सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इसी लाइन में. ठीक है, ये याद रखना. अब उसके बाद टाइम बच रहा है क्या? तो 4 मिनट है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर इफ सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर आर (1, 2) एंड (-1, 0). फाइंड करो. तो इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर आर 1, 2 एंड -1,
जीरो। फाइंड करो आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। सर एक सेकंड, बन गया आंसर क्या आएगा? सो माइनस वन कॉमा थ्री बाई टू, माइनस वन कॉमा थ्री बाई टू। देखो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है ये ऑर्थो सेंटर होता है, ओएनजीसी याद रखना। ओएनजीसी पता है ना क्या होता है? ऑयल। एक PSU कंपनी है, इसका फुल फॉर्म याद करके आना नेक्स्ट टाइम क्या होता है वो सर्च करके देख लेना। यस सर। ओएनजीसी कंपनी है, ओजीसी हो गया, 2:1 में होता है, जो सेंट्रोइड यहाँ पे दिया हुआ है, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर ये दिया हुआ है, ये रेस्पेक्टिवली कर लेना 1.2 और ये जो वैल्यू है -1.0। अब ये ऑर्थो सेंटर का क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो इसको एज्यूम कर लो x1, y1, तो क्या लिखोगे? 1 = 2 × -1 + 1 × x1 / y, क्या हो जाएगा? 2 + 1 यहाँ से आ जाएगा, 3 + 2 = x1, तो यहाँ से x1 का जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगा। नहीं, यस और नो? Yes, sir. And ये जो वैल्यू है 2 = क्या लिखोगे? 2 × 0 + 1 × y1 / 2 + 1, यहां से जो वैल्यू आएगा y1 का क्या आ जाएगा बताओ? 4 आ जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेट्स आया इसका वो क्या आ गया? 5, 4। नहीं समझ में आया? सिंपल है ना, फिर भी गलत बनाया था। आया या नहीं समझ में? यस और नो? आ गया। यस सर। समझ में आ गया सर? बोल रहे थे ये। यस सर। सर बोल रहे थे यहाँ पे सर एक्सटर्नल डिवीजन का डायरेक्ट यूज करके बना सकते थे ना? फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आंसर तो इतना ही आएगा ना। एक्सटर्नल डिवीजन यूज करो या इंटरनल डिवीजन यूज करो, फॉर्मूला तो यही आएगा। आई बात समझ? यस सर। यस सर। तो एक्सटर्नल डिवीजन यूज करता तो इसको फाइंड करने के लिए 3:2 करना पड़ता, समझ रहे हो? 3:2 क्योंकि कंप्लीट रेशियो डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? जीओजी का होना चाहिए। अब एक लास्ट पॉइंट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट थ्योरम। ये बहुत सिंपल है, इसमें थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं। क्या रहेगा? एक कोई ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसमें ध्यान देना। यहां पे एक पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, ठीक है? इसमें केस क्या रहेगा कि पी एंड क्यू एक दूसरे को हार्मोनिक बोला जाता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कब बोला जाता है वो केस बता देता हूं। कि यहां पे ए पी बाई बी पी इज इक्वल टू एम इज टू एन एंड ए क्यू बाई बी क्यू इज इक्वल टू एम इज टू एन, मीन्स एक्सटर्नल डिवीजन का जो रेशियो है वो क्या होगा, इंटरनल डिवीजन के रेशियो के अगर इक्वल होगा तो पी एंड क्यू जो पॉइंट्स होता है वो एक दूसरे का क्या बोला जाता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो पी एंड क्यू ये कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ
ईच अदर. कंडीशन क्या होना चाहिए? लैंग्वेज लिखाऊंगा तो उसमें क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा, बस इतना ही समझ लो. इस वाले पार्ट में क्या होगा, कंडीशन अगर क्या होगा, ए दोनों का मींस एक्सटर्नल डिविजर एक क्यू पॉइंट हो गया, एक पी पॉइंट हो गया, तो एक्सटर्नल डिविजन का जो रेशियो लिख रहे हैं वो इंटरनल डिविजन के रेशियो के इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक कंजुगेट वो पी एंड क्यू हो जाएगा पॉइंट. अगर बोल रहा है कि हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ कोऑर्डिनेट क्यू फाइंड करो विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो क्या दिया हुआ रहेगा कि एम इज टू एन दिया हुआ रहेगा, तो क्या करोगे, एक्सटर्नल डिवीजन लेके पी दे देगा इंटरनल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन लेकर के क्यू का पॉइंट फाइंड कर सकते हो, कर सकते हो फाइंड. यस सर. एक प्रॉब्लम इस पे कर लो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट पी माइनस वन divides line segment joining A 4,4 and B 7,7. Also find harmonic conjugate of P with respect to points A and B. Add कर लेना. समझ में आया? रेशियो क्या ले लेना है, इक्वल ले लेना है, बन जाएगा. चलो यहीं पे खत्म कर रहे हैं, बना लेना. क्या हो गया, 6:35 हो गया ना. ठीक है, ट्राई करना बनाने का, बन जाएगा. नेक्स्ट क्लास बन जाएगा बताना. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस बताऊंगा एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, देन स्ट्रेट लाइन वहीं पे स्टार्ट कर देंगे. उसका बेसिक तो बहुत कुछ पता ही हो गया है, तो वो एंगल बिटवीन लाइंस बताएंगे, वहां तक कंप्लीट कर दूंगा. एंगल बिटवीन लाइंस, देन डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है, 5 फॉर्म वो बता देंगे. एक दूसरे में रिड्यूस कैसे करते हैं, अगर एक फॉर्म में दिया हुआ है तो अदर 4 जो फॉर्म रहता है वो कैसे लिखते हैं, वो फॉर्म बता दूंगा वहां तक. नेक्स्ट क्लास में ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस का बता देंगे. देन जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो बता दूंगा. देन एंगल बिटवीन लाइंस नेक्स्ट क्लास में उतना डिस्कस करेंगे. राइट, अब इसमें होमवर्क में लिख लेना कहाँ तक कंप्लीट करना है. सबको मिल गया है ना सॉफ्ट कॉपी बुकलेट का? हेलो, नहीं चेक नहीं किया, चेक कर लेना, चेक कर लेना ड्राइव पे. कहाँ तक करना है उसमें जो बता देता हूँ, ट्राई करना बनाने का. एक्सरसाइज 1. यस सर. एक्सरसाइज 1 में ट्वेंटी ट्राई करना बनाने का. ठीक है, yes, sir. हाँ, कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है? एरिया जीरो, एरिया जीरो होगा. अदरवाइज ए और बी और सी पॉइंट्स हैं, तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी. स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ BC, ये भी आएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ए बी एंड सी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये कर लेना. सॉरी, एक और होता है.
AB plus BC is equal to AC. हाँ वो डिस्टेंस में यूज करोगे तब नहीं yes, वो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी ये यूज मत करना बट ये ठीक है ये वन हो गया ये टू हो गया और ये थ्री में जनरली यूज करना यही दोनों ठीक है इसको यूज मत करना और रिक्वायर्ड होगा तब बहुत कम उसका यूज होता है बट फर्स्ट और सेकंड यूज करना ठीक है चलो बाय बाय टेक केयर गुड नाइट थैंक यू सर थैंक यू सर ओके